नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और सत्ता संग्राम में आपका स्वागत करती हूं राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी संयोग जैन के साथ। नमस्कार। कांग्रेस से बात करते हैं तो वो कहती है 25 में से 25, भाजपा से बात करते हैं तो वो कहती है 25 में से 25, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको किन सीटों पर ज्यादा दबदबा दिखता है कांग्रेस का और किन सीटों पर लगता है आपको कि भाजपा भारी है इन 13 में से? देखिए, अब ये तो ऐसा कहना, कल मतदान है, 29 अप्रैल को मतदान है और मतदान के मौके पर ऐसी कोई बात कहना मतदान को प्रभावित करती है। कितनी हम राजनीतिक समीक्षा करें, विश्लेषण करें, कितना भी हम ऊपर उठ करके सोचें, देखें, कहीं ना कहीं बायसनेस आ भी सकती है। जी, कड़ा मुकाबला कहाँ है, चलिए ये तो बात कर सकते हैं। हाँ, चलिए, जोधपुर में कड़ा मुकाबला है। जी, है जोधपुर मुकाबला, बाड़मेर जैसलमेर में भी कड़ा मुकाबला है, आप ले सकते हैं उसको अपनी फेरिस्त। और ऐसा लगता है टोंक सवाईमाधोपुर में कड़ा मुकाबला है, कोटा में भी कड़ा मुकाबला हो सकता है अगर मीनापुर एक हो जाए और गुजर उनका साथ देते हैं। जी, क्योंकि गुजरों में दो फाड़ हो रहे हैं वहाँ पे, जनापुरिया को टोंक से सवाई टिकट मिला हुआ है तो वो उसका फर्क कोटा में पड़ रहा है। लेकिन प्रहलाद गुंजल क्या चाह रहे हैं, सचिन पायलट क्या चाह रहे हैं, किरोड़ सिंह पैसा क्या जा रहे हैं, ये सब बातें वहाँ पे लोग, सर थोड़ा सा इससे में कोटा में बीजेपी में फूट है भारी। जी, ओम बिरला जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर भवानी सिंह राजावत भी हैं, खुद राज परिवार भी ज़्यादा सक्रिय नहीं, जबकि वहाँ पे जी राज परिवार से एमएलए हैं, इजराज सिंह की पत्नी कल्पना कुमारी वो एमएलए हैं, पर राजपुरा परिवार भी ज़्यादा सक्रिय नहीं देखा गया। और ऐसा लग रहा है वहाँ पर कि राजपूत समाज एग्रेसिवली वोटिंग नहीं कर रहा, तो ओम बिरला को थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि मीणा वोट भी 3-3.5 लाख हैं कोटा में। जी, बहुत बड़ा वोट बड़ा वोट बैंक है। तभी रामनारायण मीणा को जनरल सीट पर उतारा है, तो इसलिए रामनारायण मीणा कोटा से एक बार सांसद रह भी चुके हैं, तो कोटा में कड़ा मुकाबला हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। सर, पर मैं एक आपसे जानना चाहूँगा, दर्शकों के लिए एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात साबित हो सकती है। देखिए, देवली उनियारा से रामनारायण मीणा चुनाव हारे, उनको सांसद का टिकट दे दिया गया। ऐसे अभी आपने फरमाया रतन देवासी के लिए रानीवाड़ा से दो बार हारे, जालोर सुरई से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव दे दी। अभी तो नहीं हारे चुनाव रामनारायण मीणा, अभी तो एमएलए वो पीपलदा से। हाँ, पीपलदा से एमएलए, उससे पहले देवली उनियारा चुनाव हारे, तब टिकट दिया था। और ओपन सीट से उनको चुनाव लड़वा रहे हैं, चूंकि जनरल की सीट है और एडजॉइनिंग है टोंक सवाईमाधोपुर और कोटा की, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों की डॉक्टरी एक साथ, तो लोगों में कुछ इम्पैक्ट इस तरीके का आ रहा है कि सर रिजर्व सीट के ऊपर तो जनरल कैटेगरी का चुनाव नहीं लड़ सकता, पर जनरल वाले की सीट पर जाकर के रिजर्व कैटेगरी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसकी समीक्षा सर थोड़ा सा दर्शकों के, क्योंकि मैं जब कहीं हमने ट्रेवल किया तो लोगों की भावना आई कि लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर ऐसी पॉलिटिकल मजबूरी क्या हो सकती कांग्रेस की। अब देखिए, 5 साल तो लोग न सोचते हैं, न रजिस्टर करते हैं, न कुछ बोलते हैं। जी, चुनाव पर पार्टियाँ जब टिकट दे देती हैं उसके बाद में रोना रोने से कोई फायदा नहीं। कोटा की सीट जनरल है, कांग्रेस ने मीणा को टिकट दे रखा है। जी, टोंक सवाईमाधोपुर जनरल सीट है, कांग्रेस ने वहाँ भी मीणा को टिकट दे रखा है। तो रघुवीर मीणा उदयपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, वो रिजर्व सीट है सर। और दौसा में रमेश मीणा की पत्नी लड़ रही, सविता मीणा कांग्रेस से, वो भी रिजर्व सीट है। दो रिजर्व सीट पर एसटी मीणा, दो जनरल सीट पर मीणा, कांग्रेस ने ये काम खेला है। मीणा वोट राजस्थान में बहुत ज़्यादा है और उनके हिसाब से ये काम खेला गया, लेकिन जनरल सीट पर एसटी का कैंडिडेट लड़ाने की हिम्मत, बहुत बड़ी हिम्मत है पार्टी की। और वो चूंकि 3-3.5 लाख वोट इधर चौक सवाई में मीणा है और 2.5-3 लाख वोट उधर भी मीणा है कोटा में, इसलिए ये पासा फेंका गया। और जो आप कह रहे थे कठोर संघर्ष की, तो मुझे लगता है बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी संघर्ष कठोर हो सकता है। जी, पहले ये सीट कांग्रेस की तरफ झुकी हुई थी, लेकिन बीटीबी भारतीय ट्राइबल पार्टी ये कूद पड़ी मैदान में, उसके एक नौजवान उम्मीदवार हैं वहाँ पे, जो जल जमीन जंगल के अभियान से जुड़े रहे थे, एनजीओ टाइप व्यक्ति है, एनजीओ के व्यक्ति जैसे, उनकी वजह से वो ट्रायंगुलर हो गया और वो जो वोट काट रहे हैं वो एंटी बीजेपी वोट काट रहे हैं, एंटी इनकमेंसी वोट काट रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस को ये सीट कठोर संघर्ष में आ गई, वरना ये सीट कांग्रेस के खाते में ही जाने वाली थी, तो वहाँ भी संघर्ष हो गया है। और अब ये संघर्ष की बात तो यूँ चर्चा में आती है, तो ऐसा कहते हैं कि जाति पोलराइजेशन हो गया चित्तौड़ में। जी,
और ब्राह्मण बीजेपी का कैंडिडेट, सामने राजपूत सारे एक हो गए कांग्रेस कैंडिडेट पक्ष में, कितने एक हुए, कितने सड़क पर आएंगे, कितना वोट डलवाएंगे। राजपूतों के मामले में ये होता है कि वोट डलवाने में बहुत धीमे रहते हैं, पीछे रहते हैं, रावड़ों से महिलाएं नहीं निकल के बाहर आती, ब्राह्मण तो तेजी से निकलवाते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता भी है, ब्राह्मण होना जरूरी है बीजेपी का कार्यकर्ता। देखिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट चुनाव में ये है कि बीजेपी के पास बूथ मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कांग्रेस के पास नहीं है, और कांग्रेस के पास जो बूथ मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिविजुअल व्यक्ति ओरिएंटेड है। रघु शर्मा के इलाके में रघु शर्मा का है, राकेश पारिक के इलाके में राकेश पारिक का है, नागर के इलाके में बाबूलाल नागर के इलाके में बाबूलाल नागर का है। पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बूथ लेवल का, तो बूथ लेवल के पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, मोदी मोदी होने के कारण और संघ का एक प्रचार तंत्र और संघ का एक संगठन होने के कारण बीजेपी के पास में माइलेज है, अपर हैंड है। लेकिन लेकिन अशोक गहलोत ने जो मेहनत की है और सचिन पायलट भी घूमे उनके साथ में, अब वो कितनी वोट अपील करते हैं, किस तरह वोट डलते हैं, कितने वोट कांग्रेस के लोग निकलवा पाते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहती है जी। वोटिंग परसेंटेज अगर बहुत हाई गई तो मैं समझता हूँ कांग्रेस की चांसेस कमजोर होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल अच्छा फरमा रहे हैं। और वोटिंग परसेंटेज अगर 60 के आसपास रही तो कई सीटों पे कांग्रेस की चांस। तो आज भी मानते हैं कि जो फिक्स्ड वोट जो गिरते ही गिरते हैं वो उन 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 कैटेगरी के गिरते हैं जो कि कांग्रेस के पक्ष में जाता है। वोटिंग परसेंटेज जितना भी 45-50% से ऊपर, 50 से ऊपर जाता है वो वोट है, फ्लोटिंग वोट है, प्लस वो एग्रेशन वाला वोट है, एग्रेशन किसी धारा का, किसी मुहिम का वोट है, वो मिशन के मिशन का वोट है जी। चलिए हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ जो चुनाव है वहाँ मुझे नहीं लगता कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं, वही राष्ट्रवाद की बात है, मोदी की बात है, राहुल गांधी की बात है, लेकिन ऐसा लगता है प्रदेश की जो विकास है यहाँ के मुद्दे हैं वो यहाँ पे इस बार नहीं दिख रहे बिल्कुल भी। अब मुझे लगता है जोधपुर के लोग शायद सोच सकते हैं विकास की बात, तो क्योंकि वहाँ का चीफ मिनिस्टर है जी, तो वहाँ के लोगों के मन में ये आ सकती है कि 5 साल ये मुख्यमंत्री रहेंगे, चूँकि उनका बेटा लड़ रहा है, तो अगर ये जीत जाएगा तो जोधपुर का विकास होगा, विकास की राह आसान होगी, विकास ज़्यादा तेजी से होगा, क्योंकि अशोक गहलोत वहाँ से 5 बार सांसद रहे हुए हैं जी। तो अशोक गहलोत ने भी वहाँ रिकॉर्ड बनाया सांसद रहने का भी, चीफ मिनिस्टर 3 बार रह लिए, तो इस वजह से वो कनेक्ट भी होते हैं पीपल से, और वहाँ के लोगों के मन में ये धारणा आ रही है कि ये 4-4.5 साल और अभी 5 साल रहेंगे, तो विकास अगर जोधपुर का करना है तो ये रास्ता है जिसके जरिए अच्छा विकास हो सकता है जोधपुर का। तो जोधपुर के विकास के द्वार खोलने के लिहाज से, द्वार वो उस यात्रा को कंटिन्यू करने के लिहाज से वहाँ का आदमी विकास के मुद्दे पर सोच के वोट दे सकता है। हालांकि वहाँ नरेंद्र मोदी खुद आके गए जी, सभा करके गए, अमित शाह आए, वो और वसुंधरा राजे दोनों ने रोड शो किया, सब किया, तो पूरी ताकत बीजेपी ने अगर कहीं झोंकी है राजस्थान में, जोधपुर के अंदर, तो जोधपुर ने झोंकी है जी। और मुख्यमंत्री ने कहीं झोंकी है तो वो भी जोधपुर ने झोंकी है, तो बैटल जो है राजस्थान का वो सबसे बड़ा बैटल जोधपुर में लड़ा जा रहा है। दिया कुमारी ने जरूर यहाँ से जाके ताकत तो झोंकी है, पर वो यूँ जयपुर की हैं, मेवाड़ में गई हैं, मेवाड़ में जाके चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि सामने वाला प्रत्याशी शुरुआती दौर में चुनाव को उठा नहीं पाया था, इसलिए जाते जाते ये नई थी, इसलिए सब जगह घूम ली, राजपूत इनके साथ हो गए, रावत समाज इनके साथ हो रहा है, तो इसलिए इनका भी थोड़ा सा ठीक हो गया। लेकिन मेड़ता और डेगाना, नागौर जिले की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है, ब्यावर अजमेर जिले की आती है, जैतारण पाली जिले की आती है, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा सेगमेंट राजसमंद के हैं, मुझे लगता है इन 8ों का वोटिंग पैटर्न अलग अलग रहने वाला है। दिया कुमारी के पक्ष में जो लोग वोट करेंगे, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़त मिलेगी, क्या वो बढ़त इतनी होगी कि बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे प्रत्याशी को कोई बढ़त मिले तो उसको पाट सके गैप को, ये भविष्य के प्रश्न है। आज कुछ कहा नहीं जाता, पर दिया कुमारी ने अच्छा चुनाव लड़ा है, खूब मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हनुमान बेनीवाल भी उनके साथ गए, और सतीश पूनिया भी वहां गए। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी अनिल जी, रालोपा से जो भाजपा ने गठबंधन किया है, एक सीट भी नागौर की हनुमान बेनीवाल को दी है, वो उससे लड़ भी रहे हैं, वो कितनी सीटों पर असर डालेंगे हनुमान बेनीवाल? सबसे ज्यादा असर तो उनका डालेगा राजसमंद सीट पर, क्योंकि मेड़ता से विधायक उन्हीं की है जी, और डेगाना भी नागौर का हिस्सा है, तो वहां पे जाट बहुत, जाट काफी वोट है, तो वो कन्वर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बीजेपी में, ये हनुमान बेनीवाल पर है। सतीश पूनिया भी वहाँ गए, उन्होंने मेहनत की है, और उन्हें राजपूत जाट ऐसी कोई बात होने नहीं दी, कोशिश तो की है कि जातिवाद से ऊपर उठ के पोलिंग हो, दिया कुमारी के चेहरे पर, दिया कुमारी के मेहनत पर और दिया कुमारी के व्यक्तित्व पर वोट पड़े। अब उधर चूंकि देवकी काका हैं, वो सीपी जोशी के बहुत निकटस्थ रहे हैं, सीपी जोशी की पकड़ रही है नाथद्वारा पे और राजसमंद पे,
तो हालांकि राजसमंद पे किरण महेश्वरी वहां से लगातार एमएलए बन रही हैं, सांसद भी रह चुकी हैं वो जी। तो किरण महेश्वरी उदयपुर सांसद रह चुकी है, तो किरण महेश्वरी का भी अपना प्रभुत्व है। और किरण महेश्वरी के अलावा खुद गुलाबचंद कटारिया ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया इस सीट को, क्योंकि उन्होंने टिकट दिलवाया, उन्हीं की जिद थी कि राजपूत को लड़ाया जाए, बड़ा चेहरा लड़ाया जाए। और राजपूत बड़े चेहरे के चक्कर में जयपुर राजघराने की राजकुमारी को वहां पर टिकट दिया गया, वो जाके उन्होंने मेहनत करके चुनाव को खड़ा किया है। वसुंधरा जी जाकर के आए उनके चुनाव प्रचार में। हाँ, ये भी एक बात है कि पहले माना जाता कि वसुंधरा जी बहुत बड़ा एक देखना पसंद नहीं करती, वो जाके वहां चुनाव प्रचार करने वहां जाकर के पूरा दिन लगाया और परसों के दिन जाकर के उन्होंने बहुत दिन प्रचार किया।